अब तक आपने देखा, जब तक हम यहाँ पर है ना, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। दिल ये कोशिश कर रहा, इसकी नाराजगी किसी से बोल। चांदनी और अर्जुन आ रहे हैं पास, लेकिन क्या एक राज लगा देगा चांदनी की खुशियों को दाग? चांदनी बिटिया आपकी, और अगर आपने हमारा राज खोला तो हम आपके सारे राज खोलकर दुनिया के सामने रख देंगे। नहीं नहीं नहीं, मतलब हमने कहा ना, आज चाय हम ही बनाएंगे, तुम बस यही रुको और हमें बताते जाओ कि किसको कैसी चाय पसंद है। और हाँ, अपनी पसंद ही बता देना, तुम्हारे लिए भी चाय बनाएंगे। तो अब सबसे पहले क्या करना है बताओ जल्दी। पहले मामा जी की चाय। वाह जी जाजी, आपकी सितार के तार जैसे घर संसार। अरे 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 बहू बेटा, आप क्यों तकलीफ उठा रही हो? बैजू से कहा होता। नहीं नहीं, बैजू ने ही सिखाया हमें चाय बनाना, आज चाय हमें बनाई है। अरे वाह मामा जी, आपकी अदरक और शहद वाली चाय। पापा, ये आपकी कम चीनी वाली चाय। बढ़िया है। थैंक यू, हम बाकी लोगों को चाय दे कर आते। रुको बेटा एक मिनट, ये लो, सदा सुखी रहो। ये लो बेटा। ओफो, आप लोग भी ना। क्यों? सिर्फ 50 और 100 रुपए कोई देता है सगन में? ये हमारी तरफ से 101 और 51। लाओ हमारी चाय। थैंक यू डोर्स। पर आप लोग हमें चाय बनाने के पैसे क्यों दे रहे? चाय के लिए पैसे? ये तो बेटा आपने बहुत ही जनरल नॉलेज की बात कह दी। दरअसल जब घर की बहू पहली बार रसोई बनाती है तो हम बुजुर्गों को आशीर्वाद के रूप में ये शगुन देना होता है। हाँ, आज तो तुम्हारे कमाई का दिन है। थैंक यू सो मच, हम बाकी लोगों को चाय देकर आते हैं। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है ये। माँ, ये बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? वाओ भाभी, आज आपने चाय बनाई है। वैसे आप शादी में आ रहे हो ना? शादी? ये कैसे जाएगी? ना हम एसी गाड़ी में जा रहे हैं, ना शादी एसी हॉल में है। इसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। हाँ, और वैसे भी हम कहाँ वहाँ किसी को जानते हैं। अब चाय। तुम आ गए? वो हम तुम्हारे रूम में ही आ रहे थे चाय देने, आज हमने चाय बनाई है। पी लो, अच्छी बनी है। अच्छा है वैसे, अब जब ये अपने घर वापस लौटेगी तो लोग कहेंगे 2 महीने में कुछ सिखा कर भेजा है।
शोएब जी, तो हम क्या कह रहे थे कि हाँ हाँ समझ गए समझ गए। आप चिंता मत कीजिए, पैसे पहुंच जाएंगे आपके पास शाम तक। अरे नहीं नहीं नहीं, वही तो बताने हैं कि पैसे मत भेजिए। वो कहा है ना कि हम सब आज शादी में जा रहे हैं इसलिए। अच्छा, सब लोग जाने वाले हैं क्या? नहीं पापा, वो आज माल आने वाला है ना, तो हम सोच रहे हैं आज हम दुकान पे ही नीचे सब संभाल लेंगे। हमने साड़ी के दुकान पे भी मैनेजर को बोल दिया है कि आज एडजस्टमेंट कर लीजिए, उन्होंने हाँ बोला है, तो आज हम शादी पे नहीं आएंगे। ठीक रहेगा ना? ठीक है बेटा। हाँ, अब ननन जी ना भी चाहे लेकिन चांदनी को तो हम साथ लेके जाएंगे ना। नहीं नहीं, उन्हें मत लेकर जाइएगा। हमारा मतलब है कि सुलक्षणा जी पर कोई जबरदस्ती मत कीजिएगा। वो क्या है ना जानकी जी, अभी हमें उन्हें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। तो अगर वो चांदनी को ना भी ले जाना चाहें तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यही सही रखते हैं। प्रणाम। प्रणाम। अच्छी बनी है भाभी। मैं बैठ जाऊं? ये क्या सवाल है, बैठो। भाभी आप प्लीज हमें मस्कारा लगा देंगी ताकि हम आपसे क्यूट लग सके? हाजिर। आंखें बंद करो। आप दोनों में दोस्ती हो गई ना? शर्मा रहे हो ना? पता है हमें, वो लड़की 2 हफ्ते में वापस अपने घर जाने वाली है। तुम तो सब जानते हो, तुम्हारे भैया तो हमसे दोस्ती करना ही नहीं चाहते। और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो हमारी आंखों में आंखें डालकर कहिए, नहीं कह सकते क्योंकि फर्क पड़ता है। बुरा लगता होगा ना? नहीं तो हमें क्यों बुरा लगे? क्योंकि आप भैया से प्यार करने लगे। है ना? कैसे? हमारा मतलब भाभी, क्योंकि आके कभी झूठ नहीं कहती, सच बोलती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रिवाज जी, तुम्हारे भैया हमें पसंद नहीं करते, कुछ नहीं है। भाभी आप इस मंगलसूत्र की ताकत जानती हैं? अगर आप कमजोर होती ना तो ये आज आपके गले में फांसी के फंदे की तरह होता, पर नहीं है, क्योंकि ना आप कमजोर हैं और ना आपका प्यार। रेवा खटखटा रहा
फिर उठ गए गुलों की शोखियाँ जो भर आके लूट गए मुबारक हो आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ए आइए आइए सूर्य प्रकाश आइए। अपनी माँ से नहीं मिलेंगे आप? हाँ पापा, संपत अंकल कल सर्किट हाउस के बारे में क्या बात कर रहे थे? क्या हुआ था वहां पे? क्या कोई ऐसा राज है जिसे हम? सूर्य प्रकाश, आज के बाद आप हमारे किसी भी निजी मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। पापा, हम संपत अंकल को बचपन से आपके साथ देखते आ रहे हैं और आप हर मामले में उनकी सलाह भी लेते हैं। आखिर ऐसा क्या कह दिया उन्होंने कल के आपका हाथ उठ गया उनके ऊपर? और वो चांदनी के बारे में क्या बोल रहे थे? आज के बाद उस सर्किट हाउस वाले राज के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे आप। वो राज हमारी अर्थी के साथ जाएगा और उसी के साथ चलकर राख भी हो जाएगा। और याद रखिएगा, आज के बाद उस राज के बारे में हमसे कोई भी सवाल करेगा, उसे हम कभी नहीं बख्शेंगे। फिर वो चाहे हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो। आज तो हमारे हाथ में जो कुछ भी आया हमने उठाकर फेंक दिया और अब बच भी गए। लेकिन वो इसलिए नहीं कि हमारा निशाना चूक गया था, बल्कि इसलिए कि हमने आपको माफ किया। जी हाँ, माल आ गया है पर एक बोरी कम है जी। और आप हमेशा वो जनता वाला ब्रांड बेचते हैं ना, तो इस बार आपने शायद कोई दूसरा ब्रांड भेजा है। हाँ तो वो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा ना। ठीक है, हाँ हाँ आप भिजवा दीजिएगा। ओके थैंक यू। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ पर? ऐसे क्यों सज धज के खड़ी हो जैसे? जैसे जैसे क्या? तुम्हें पता तो है कैसे? हम तुमसे सुनना चाहते हैं। जैसे एक पत्नी सजती है ठीक वैसे ना? देखो चांदनी, हमें नहीं पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो और क्या कहना चाहती हो। यही कि फर्क पड़ता है। इससे इस
से और इससे। ये सारी बकवास की बातें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? सच? हम बारिश में भीग कर बेहोश होने जा रहे थे तो हमें सहारा देने क्यों आए? अपनी नौकरी की बात सिर्फ हमसे ही क्यों शेयर की? हमें सेल्समैन की नौकरी मिल गई है एक साड़ी की दुकान पर। सच बताओ अर्जुन, तुम हमारे लिए कुछ फील नहीं करते? नहीं फील करते। हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया ना, वो इंसानियत के तौर पे किया। तुम्हारी जगह और कोई भी होता तब भी हम वैसे ही करते। चलो मान लिया, अब बस हमारे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। अगर हमारी जगह कोई और होता कल रात को, तब भी क्या उसे तुम यही प्रॉमिस करते जो कल रात हमसे किया था? हम हैं ना यहाँ पर, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक हम यहाँ पर हैं ना, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। वो तो तुम डरी हुई थी, और हमारे लिए जरूरी था तुम्हें भरोसा दिलाना कि तुम इस घर में सेफ हो। सिर्फ इतना ही था? तो फिर कल रात हमारे पास रुके क्यों? घबराओ मत, हम कहीं नहीं जा रहे। पूरी रात हमें तुम्हारी बाहों में सुकून से सोने क्यों दिया? तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारे झूठ बोलने पर कितने बड़े डरपोक हो तुम। क्या कहा? हम डरपोक हैं? हाँ, डरते हो कि तुम्हें हमसे फर्क पड़ता है और हमें तुमसे। पता है, जब तुम हमारे पास होते हो ना, तो हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हम जब भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर एक नूर सा आ जाता है। तुम जब किसी बात से नाखुश होते हो ना, तो हमारा दिल भी रोता है। और जब भी हम तुम्हें खुश देखते हैं, हमारा दिल भी मुस्कुराने लगता है। जब भी हम सुनते हैं ना, सिर्फ दो हफ्ते, तो ऐसा लगता है कि कोई तेज चाकू हमारे सीने से उतरते जा रहा है। तुम्हारे बिना जीने के ख्याल से हमारा दिल दहल जाता है, और तुम्हारे साथ जीने के ख्याल से आसमान की चांदनी हमारे दिल में उतर आती है। इतने सितारे झिलमिलाते हैं हमारे दिल की जमीन पर, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम हमारे बारे में ऐसा फील नहीं करते?